फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पहली बात कि सर फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, हम लोग ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि वो अकाउंटिंग कह रहा है तो अकाउंटिंग क्या है। चलें सर एक बात बताइए, अकाउंटिंग तो हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, 11th क्लास से ही सीख रहे हैं, फिर वो आप क्यों बता रहे हैं। देखो बच्चों, अकाउंटिंग बताना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन की मदद से फ्रेमवर्क के बारे में तुम लोग समझ पाओगे। तो शुरू करें, आइए सुनिए। सबसे पहला लाइन कि सर अकाउंटिंग क्या है ना। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग के बारे में कहें तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, क्लासिफाई करने का तरीका है, समराइज करने का तरीका है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। यहीं पर पूरा खेल छुपा हुआ है, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब इस तरीके से कि वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। वो बैंक हो सकती है, वो क्रेडिटर हो सकती है, वो डेटर हो सकती है, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं बच्चों, वो शेयर होल्डर हो सकते हैं। अच्छा सर, इतना कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। हाँ सर, अकाउंट्स को कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा। बिल्कुल सर, आगे कहता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे पैसों के टर्म में, नॉन मॉनेटरी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर कुछ तो रूल है, कोई तो पॉलिसी है, कोई तो कॉन्सेप्ट है, कोई तो कॉन्वेंशन है जो पूरे इंटायर अकाउंटिंग को कंट्रोल कर रही है। आर यू एग्री बच्चों, इतना कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, क्लासिफाई करने का तरीका है, समराइज करने का तरीका है। सर ये अपने आप तो नहीं हो रहा है, कुछ तो है सिस्टम जो इसके पीछे छुपा हुआ है और वो रोल प्ले कर रहा है। आर यू एग्री। अच्छा आगे देखिए क्या बोलता है, विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। कैसा होना चाहिए, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब बच्चों, नॉन फाइनेंशियल चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। सर कौन कह रहा है ये बात, इसका मतलब सर कोई बॉडी है क्या? हाँ। कोई अथॉरिटी है क्या सर अकाउंट्स के पीछे? हाँ बच्चों, इसी सब चीजों को समझना है। सर अकाउंट्स हम इसलिए भी बनाते हैं कि कुछ इंटरप्रिटेशन कर पाए, उससे कुछ समझ पाए, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। बच्चों यस या नो? हाँ यस। आइए अब इस बात को पहले समझते हैं। देखिए स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली पहले चलते हैं। According to Collins Dictionary, framework का मतलब क्या है बच्चों? Structure. Framework किसको कहते हैं? तो framework एक structure को कहते हैं और एक support system को कहते हैं। Sir, क्या accounts का कोई structure है? हाँ बच्चों, accounts is based on a structure. Sir, क्या accounts के पीछे कोई support system काम कर रहा है? कोई mechanism काम कर रहा है? हाँ बच्चों। Sir, support का मतलब क्या है? Sir, क्या कोई reference है? कुछ संदर्भ में आप सपोर्ट कह रहे हैं? हाँ बच्चों, सपोर्ट कहने का मतलब है कुछ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ बिलीव, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ट्रांजेक्शन क्या है उसको समझने का तरीका, इवेंट्स क्या है उसको समझने का तरीका, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे उसका तरीका। बच्चों आप जो इंटायर डबल एंट्री सिस्टम पढ़े 11 क्लास में, आप सोचो ना, अपने आप पढ़े क्या या टीचर ने अपने मन से पढ़ा दिया? नहीं बच्चों, एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है, एक आइडिया है, एक सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेमवर्क। जैसे आप देखते हो एक फोटोग्राफ को भी लगाना हो तो उसे भी एक फ्रेम में लगाना पड़ता है, मतलब उसे भी सपोर्ट चाहिए। सोचो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा, कलरफुल पेज, दैट इज नोन एज फोटोग्राफ, उसको भी एक सपोर्ट चाहिए कहीं टंगने के लिए। तो अकाउंट्स तो इतना बड़ा सिस्टम है बच्चों, उसको कैसे नहीं सपोर्ट चाहिए? उसे भी सपोर्ट चाहिए, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम से है। सर क्या हम लोग वही पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, वही तो पढ़ना है। और पता है बच्चों, ये सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का है कि आपको मदद करता है कि आप मेजर कर पाते हो। अगर ये नहीं होता तो शायद आप मेजर नहीं करते किसी चीज को, आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, आप चीजों को प्रेजेंट कर पाते हो, आप डिस्क्लोज कर पाते हो। मतलब सर अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता तो कोई भी एंटिटी ये काम नहीं कर पाती। बिल्कुल। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? देखिए
तो सर अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ाने का कोई मकसद था? हाँ बच्चों, यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है कि जर्नल कैसे होगा, रिकॉर्ड कैसे होगा, क्लासिफाई कैसे होगा, कहने का मतलब अलग अलग लेजर में टूटेगा, फिर समराइजिंग करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम, पीएल बनाएंगे, बच्चों ये अपने आप नहीं हो रहा है। इमेजिन कीजिए इसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात अकाउंट्स को भी इस बात का प्राउड है कि भाई कुछ तो है जो उसे क्या करता है, सपोर्ट देता है। जैसे आपको अपने स्कूल डेज में प्राउड नहीं होता था अगर स्कूल में आपके सीनियर भैया या दीदी पढ़ते थे तो, है ना, इस बात का प्राउड होता था ना कि भैया दीदी हैं, कोई लड़ेगा तो देख लेंगे, है ना। आजकल नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सा फुद्दूस आदमी भी अड़ जाता है ना, कार्यकर्ता जिसे हम कहते हैं, किस बात का उसको प्राउड होता है? मेरे पीछे सपोर्ट सिस्टम है। वैसे बच्चों अकाउंट्स के पीछे भी एक सपोर्ट सिस्टम है, मतलब सर रूल्स। हाँ चले, अच्छा देखिए बच्चों, सर ये फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? वो फ्रेमवर्क का मतलब है जो आपको मेजर करने में मदद करता हो, रिकॉग्नाइज करने में मदद करता हो, प्रेजेंट करने में मदद करता हो, और डिस्क्लोज करने में मदद करता हो। चले अब इस सब चीजों पर बात करते हैं वन बाई वन। देखिए सर, क्या फ्रेमवर्क के चार पिलर हैं? हाँ बच्चों, फ्रेमवर्क के चार पिलर हैं। फ्रेमवर्क जिस तरह से बच्चों आप देखे होंगे फोटोग्राफ में, जो फ्रेम होता है उसमें चार बॉर्डर होती है, चार कॉर्नर को मिलाकर एक पूरा फ्रेम खड़ा किया जाता है, उसी तरह से बच्चों अकाउंटिंग के पीछे भी चार इंपॉर्टेंट पिलर हैं, कॉन्सेप्चुअल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, रेगुलेटरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब वन बाय वन समझते हैं इसको। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम आपको मेजर से शुरू करते हैं। मेजर, सर मेजर के बारे में आप कह रहे हैं कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है। कैसे सपोर्ट सिस्टम है? देखो बच्चों, छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए, स्टॉक इन ट्रेड है मान लो हमारे पास। अब हम दो तरह के कंपनी हो सकते हैं, या तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारे पास क्या होगा भाई? फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग है स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन सर जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो आखिर कैसे वैल्यूएशन की जाती है? हम उसका कौन सा वैल्यू लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे या नेट रियलाइजेबल लेंगे? बच्चों 11th क्लास में आपको ये हिंट कर दिया गया, आप ग्रेजुएशन के बीकॉम पार्ट 2 में ये पढ़ लिए कि कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो सबसे छोटा होगा वो आप ले लेना। देखो बताना ये नहीं चाहते कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं, मुद्दा ये है बच्चों कि आप सोचो, कोई सपोर्ट सिस्टम है तब तो आपको पता चला ना कि आप कौन सा वैल्यू ले लेना, लोअर वैल्यू। हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले बच्चों, हम आपको एज टू पढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है, वो तो आप बाद में पढ़ेंगे ही। मोटिव ये है कि आप सोचो ना, अकाउंट्स के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम था जो तुमको बताया कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में जो छोटा होगा वो ले लेना। कौन बताया, कौन बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, एक रूल है। हाँ सर, गाइडलाइंस है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये समझिए, अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। मान लीजिए तान्या अकाउंट्स बनाती तो कहती नहीं हम नेट्रलाइजेबल लेंगे, आदित्य अकाउंट्स बनाते वो रिजिड हो जाते हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, उज्जवल बनाता कहता हम कुछ नहीं लिखेंगे। बताइए तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। शशांक बनाता कहता सर दोनों को जोड़ देंगे, कॉस्ट और नेट्रलाइजेबल डिवाइड करके एवरेज निकाल के लिखेंगे, अच्छा रहेगा, स्टैट्स में पढ़े हैं एवरेज बढ़िया चीज है। बताइए कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। तो एक सपोर्ट है ना बच्चों जो आपको जवाब दे रहा है कि देखो इसको कैसे मेजर कर सकते हो, इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूं तुम उसको लेना। तो एक सपोर्ट है कि नहीं है, बोलो। छोटा सा एग्जांपल लो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपके बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, 5 रुपए में आया, कोई 6 रुपीज में, कोई 7 रुपीज में, कोई 5.5 रुपीज में, तो तुम्हारे गोडाउन से रॉ मटेरियल उठ के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, मतलब तुम इशू किए। यही होता है ना बच्चों, आप इशू करते हैं ना, जैसे स्वीट्स का दुकान है, मिठाई का दुकान है, तो जो
क्या उसको बोलते हैं, मिस्त्री बोलते हैं ना, जो मिठाई बना रहे होते हैं, हलवाई। तो बच्चों ऑनर कभी भी, सॉरी गलती हो गया, ऑनर कभी भी उनको हैंड ओवर कर देते हैं क्या पूरा गोडाउन? नहीं बच्चों, वो पूछते हैं अच्छा कितना काजू चाहिए, तो 1 kg का जरूरत है, स्टोर से निकाल के दे दिया गया। घी 2 kg का जरूरत है, स्टोर से निकाल के दे दिया गया। बच्चों हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टोर से प्रोडक्ट को देती है। देखो बताना क्या चाह रहे इस पर आओ, हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि जब तुम मटेरियल देते हो, इशू करते हो, तो उसका भी एक अपना तरीका है वैल्यूएशन। तुम पढ़े ना, फीफो पढ़े, लीफो पढ़े, हीफो पढ़े, तो सोचो जब तक ये मेथड नहीं होता, अगर ये सिस्टम नहीं होता, तो तुम इशूड वाले मटेरियल का वैल्यू निकाल पाते? नहीं निकाल पाते ना। इसका मतलब अकाउंट्स को मेजर करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया गया है, नहीं तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता बाबू। आप इमेजिन करो ना, आप क्या पढ़े, आप पढ़े फीफो लीफो हीफो, क्या था ये सब, क्या था? हाँ, मटेरियल इशू करने का तरीका था ना। अगर नहीं होता तो आप कैसे मेजर करते? ऑल क्लियर, आगे बढ़े। तो ये नहीं पढ़ा रहे थे हम बाबू, आपको एस टू बताना मेरा मकसद नहीं था, फीफो लीफो पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंट्स में ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स, सिस्टम, मेथड्स डेवलप किए गए हैं जो चीजों को मेजर करता है, और आपके प्रॉब्लम को क्या किया गया है, शॉर्ट आउट किया गया। अब आप समझ पाए क्या कि मेजर कैसे एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है? सोचो बच्चों, हमारे सोसाइटी में लिक्विड को मेजर करने के लिए लीटर बनाया गया, एक मापदंड। वो चौगर नहीं होता, कितना कॉन्ट्राडिक्शन होता। किसी पेट्रोल पंप पे वो लोग आधा लीटर पेट्रोल देता, कहता नहीं 1 liter है, हम लोग का तो यही मापदंड है, बढ़ जाता। नहीं कोई 700 ग्राम आपको देता, कहता नहीं यही 1 liter है। लेकिन सरकार ने इस चीज के कॉन्ट्रडिक्शन को रोकने के लिए एक कॉमन तरीका बनाया और सबके लिए सेम। 1 liter का मतलब इतना वॉल्यूम, 1 kg का मतलब इतना वेट, 1 meter का मतलब इतना लेंथ, और सब वही मानेगा पूरे देश में, बनाया गया ना। वैसे ही तो अकाउंट्स को सपोर्ट करते हैं। डन, अब कुछ आइडिया लगा फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या था? चले आगे। अब देखिए सर एक बात बताइए, रिकॉग्नाइज, आप सर रिकॉग्नाइज को फ्रेमवर्क बता रहे थे, कह रहे थे कि स्टडी मटेरियल कहता है कि ये एक फ्रेमवर्क है, एक सपोर्ट सिस्टम है। कैसे सर, ये कैसे सपोर्ट सिस्टम है, किस ग्राउंड पे हम इसको सपोर्ट सिस्टम कहते हैं? एग्जाम्पल लो बच्चों, हम लोग रेंट रिसीव किए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30/6/2023 तक, कितने महीने का रेंट देखो तो, 14 महीना 15 महीना, कितने महीने का रेंट है देखो। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30/6/2023 तक हम रेंट लिए, स्क्रीन पर विजिबल होगा, स्क्रीन पे आ रहा है ना, 14 से ज्यादा 14 है, ठीक है। इमेजिन करो बच्चों, अब यहां पर दिक्कत है कि सर हम जिस ईयर का अकाउंट्स बनाएंगे, हम किस ईयर का अकाउंट बनाएंगे बच्चों, 2022-23 का, तुम कहां तक का रेंट ले? अकाउंट्स हमको क्या कहता है कि 25 अप्रैल से शुरू करना और 31 मार्च पर रोकना। इसका मतलब कि हमें सिर्फ 12 महीने के रेंट को इनकम मानना होगा, है ना। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये कौन बताया तुमको, ये तुमको कौन बताया कि कितना इनकम 2022-23 में लिखा जाएगा और कितना इनकम 2023-24 में लिखा जाएगा, कितना इनकम हम रिकॉग्नाइज करेंगे किस ईयर में? तो AS9 बनाया गया इसके लिए। देखो हम AS9 पढ़ने नहीं बैठे हैं बच्चों, हम ये तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, एक मेथड है, एक फ्रेमवर्क है, एक रूल है जो तुमको जवाब देगा कि तुम कितना इनकम इस ईयर में लिखोगे और कितना इनकम अगले ईयर में लिखोगे, तुम कितना इनकम नहीं लिखोगे, तुम कितना इनकम लिखोगे, कितना प्रीपेड है, कितना आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों ये सिस्टम बनाया गया तब तो तुम 11th क्लास में पढ़े ना कि ये प्रीपेड है सर,
सर पढ़ाते हैं या मैम जब आपको पढ़ाई होंगे कि सर कि नहीं बेटा इसको नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ये अगले साल का इनकम है। बेटा इसको मत रिकॉर्ड करना, क्यों? क्योंकि ये अगले साल का एक्सपेंस है, ये एडवांस है, ये प्रीपेड है, ये एक्रूड इनकम है। ये सब तुम क्यों सीखे, कहां से आया? यही सपोर्ट सिस्टम से तो आया जो अकाउंट्स रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्या इनकम है क्या इनकम नहीं है, कौन सा खर्च इस ईयर का है, कौन सा एक्सपेंस अगले साल का है, आउटस्टैंडिंग कौन बना, प्रीपेड कौन बना। गॉट द पॉइंट? बस फर्क है कि तुम उस समय डायरेक्ट इस बात को 11th में पढ़ रहे थे, आज तुम समझ रहे हो कि पहले इन सब चीजों को डेवलप्ड किया गया फिर अकाउंट्स बनाया गया, और 11th में तुम पहले अकाउंट्स पढ़े, अब पढ़ रहे हो कि ये डेवलप किया। 11th क्लास में बहुत इमेच्योर्ड होते हो, ये सब बातें अगर उस समय पढ़ाई जाती तो शायद अब पढ़ाई भी छोड़ देते इरिटेट होकर, और अधूरा मैटर भी तो था, समझ भी तो नहीं पाते। लेकिन अब आप बेहतर समझ पाए कि हाँ हमने इन सब चीजों को पढ़ा तो कैसे आया, अपने आप आया क्या, पेड़ से गिरा क्या? नहीं, डेवलप्ड किया गया, सिस्टम्स को ढूंढा गया, और ये सब चीजें अकाउंट्स को सपोर्ट करती हैं, और अकाउंट्स अकड़ के दम तन के खड़ा रहता है। मेरे पीछे ये सब गलत रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं, हर एक चीज सही होगा। कोई दिक्कत है ना? लोग कहते हैं ना यार तो मेरे चाचा विधायक है, आजकल डायलॉग नहीं चला हुआ है मीम्स में, वैसे अकाउंट्स भी कहता है। जानते हो मेरे पीछे क्या है, फ्रेमवर्क है, कौन कौन, चार। एग्जाम में आपसे पूछ दिया तब ऑब्जेक्टिव में कितने फ्रेमवर्क होते हैं, चार, और ये सब फ्रेमवर्क मदद करते हैं चार चीजों में, और क्या क्या, मेजर, रिकॉग्नाइज और प्रेजेंट और डिस्क्लोजर। आगे बढ़े, आगे चले, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, विजिबल, ओके। आते हैं प्रेजेंट पर, आते हैं सर ये प्रेजेंट वाला मामला क्या है, सुनिए बच्चों। प्रेजेंट देखिए कहता है द फ्रेमवर्क सेट आउट द कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों अगर ये प्रेजेंट फ्रेमवर्क नहीं होता, आप सोचो ना बच्चों, कंपनी एक्ट आपको प्रॉपर फॉर्मेट देती है, ये लो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, ये लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सोचो बच्चों अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कंपनी एक्ट आपको ये बनाकर नहीं देती, तो क्या अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाते और हर लोग एक जैसा बना पाता? कोई कुछ बनाकर लाया है, कोई कुछ बनाकर लाया है, जैसे स्कूल डेज में होता था, क्राफ्ट मिला है तो कुछ का क्राफ्ट बहुत खूबसूरत और कुछ का तो देखने का भी दिल ना करे, वैसे अकाउंट्स हो जाता। आर यू एग्री? नहीं हो जाता, अलग अलग तरीके का। जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पता है बच्चों प्रेजेंट फ्रेमवर्क कहता है कि देखो अकाउंट्स ऐसा बनेगा जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। क्यों? फ्रेमवर्क कहता है कि मैं तुमको सपोर्ट देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड, रिलायबिलिटी, लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, रिलीवेंस हो सकता है और कंपेरेबिलिटी हो सकती है, उसको कंपेयर करने लायक हम बना सकते हैं। आप जो 12th क्लास में कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखे, आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखे, आप सोचो ना उसको कहां से डेवलप किया गया है। वो एक फ्रेमवर्क है बच्चों, अकाउंट्स का फ्रेमवर्क, जो अकाउंट्स को ऐसा बना देता है कि कंपेयर किया जा सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड है और भरोसे के लायक है। सर अकाउंट्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्यों बच्चों? क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट उसके पीछे काम कर रहा होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो, आपने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनकम रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके पीछे काम करता है। अच्छा सर ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स के सुंदरता का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, फ्रेमवर्क कहता है अकाउंट्स को कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे फाउंडेशन का और मेकअप का हम पूरा ध्यान रखेंगे, मतलब तुमको ऐसा प्रेजेंट करेंगे जो सब एक जैसा बनाएगा और वो सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। एक एग्जांपल देखो, छोटा सा दो एग्जांपल आपके सामने रखा गया। मान लो एक कंपनी है, उसके पास टोटल 10 लाख का डेटा था, 1 लाख डूब गया। अच्छा बच्चों इमेजिन करो पैसे डूब गए, अगर बच्चों अकाउंट्स में उस अमाउंट का नाम बैड डेट्स नहीं दिया गया होता तो अलग अलग लोग अलग अलग दे देते। निखिल अकाउंट्स बनाता और बैड डेट्स वर्ड नहीं पता होता तो क्या लिखता?
पैसा लेके भाग गलस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता बताओ, कैसे एंट्री करता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पैसा लेके भाग गलस, यही कर देता। अच्छा कोई कुछ लिख देता, कोई कुछ लिख देता, लेकिन अकाउंट्स कहता है कि नहीं, हर लोग एक वर्ड लिखेगा बैड डेट्स, इस वर्ड का मतलब ही होगा कि ये पैसा डूब गया। सोचो ना बच्चों, उसकी खूबसूरती का ध्यान रखा गया तब तो एक वर्ड खोजा गया बैड डेट्स। ये भी तो हो सकता था बच्चों, इंग्लिश में इसका एक अलग अलग वर्ड लोग खोजते तो आप कुछ वर्ड यूज कर देते, आप कुछ यूज कर देते। हो सकता है बच्चों जर्मन इंग्लिश में डूबे हुए पैसे को कुछ और कहते, या इंग्लिश में तो बहुत सारे मतलब होते हैं वर्ड्स का, लोग अलग अलग यूज कर देता ना, लेकिन अकाउंट्स क्या कहता है कि नहीं, हर लोग एक ही शब्द इस्तेमाल करेगा। क्यों? हम तुम्हारे खूबसूरती का ध्यान रखेंगे, सबको एक ही क्रीम लगाएगा, सबको लाइफ बॉय घसेगा। मजाक की बात है, समझो ये कहना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स सुंदरता का ध्यान रखता है तभी तो कहता है हर लोग एक ही शब्द इस्तेमाल करेगा डूबे हुए पैसों के लिए, बैड डेट्स। हम तुमको ये नहीं बताना चाह रहे बउआ कि बैड डेट्स व्हाट होता है, ये तो तुमको पता है। सुनो, हम बोलना क्या चाह रहे हैं उस पॉइंट पर आओ, हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं अकाउंट्स के प्रेजेंटेशन का ध्यान रखने के लिए एक ऐसे शब्द को ढूंढे गए, ऐसे वर्ड्स को ढूंढे गए जिसको हर एक अकाउंटेंट वही वर्ड यूज करेगा और कोई नया शब्द यूज नहीं करेगा, तभी तो उसको प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, रिलायबल होगा, भरोसे वाला होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और एक चीज और आप नोटिस किए हो कि नहीं, अकाउंट्स में ज्यादातर जो वर्ड उठाए जाते हैं वो इजी वर्ड उठाए जाते हैं बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं उठाई जाती। ऑब्जर्व कीजिएगा बारीकी से, हो सकता है बच्चों आप आज गूगल करो तो बैड डेट्स का अलग अलग मतलब मिल सकता है इंग्लिश में, लेकिन इजी वर्ड ही रखा गया है। फिर देखना, कुछ पैसे के डूबने की और चांसेस थी, और चांसेस थी, तो अकाउंट्स कहता है कि वैसे चीजों को तुम प्रोविजन लिखो। बताया ना, मेजर कर प्रेजेंट करने का एक तरीका बताया ना, कि जो एग्जैक्ट डूब जाए उसको बैड डेट्स कह दो, और जो डूबने की पॉसिबिलिटी है लेकिन पता नहीं है कि कौन पैसा लेकर जाएगा कौन नहीं जाएगा कितना डूबेगा, तो प्रोविजन बना, है ना बच्चों। अच्छा बताओ, ये प्रोविजन वर्ड नहीं होता तो कोई नया आदमी अकाउंट्स बनाता, कोई एस्टिमेट लिख देता, कोई प्रोविजन लिख देता, कोई प्रिडिक्शन लिख देता, कोई कुछ लिख देता, है ना बउआ। सोचो ना, लोग अलग अलग वर्ड यूज करते, फिर तुमको पूछना पड़ता, सर ये क्या एस्टिमेशन का मतलब था, तो तुम्हारे अकाउंटेंट एक्सप्लेन करते, सर हमें उम्मीद है कि शायद 10% पैसा डूब जाएगा। सोचो, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकालने के लिए अकाउंट्स ने एक एक प्रेजेंटेशन का शब्द बनाया। समझ पा रहे हो हम क्या बताना चाह रहे, उस पर क्लियर है? अब देखो बैलेंस शीट पर देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट को देखो, हमने क्या किया कि डेटर को एसेट साइड लिख दिया और प्रोविजन को लायबिलिटी साइड लिख दिया, क्या गलत है? नहीं बच्चों, गलत तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर ये है जब आप डेटर से प्रोविजन को लेस कर दिखाते हैं, इससे बच्चों एग्जैक्ट पता चलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, समझना आसान होगा कि कितना पैसा डूब गया और कितने पैसे डूबने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चों जब तुम प्रोविजन को लायबिलिटी कॉलम में लिखते, हो सकता है इन्वेस्टर के, बैंक के, क्रेडिटर के ध्यान से वो हट जाता, वो उसको नोटिस नहीं कर पाते और उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल जाए, है ना। अकाउंट्स क्या बोलता है कि हम तुमको ऐसा बनाएंगे, प्रेजेंट फ्रेमवर्क क्या बोलता है, हम तुमको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि इजी टू अंडरस्टैंड होगा, लोग उस पे भरोसा दिखा सकते हैं, रिलायबिलिटी उसमें लाएंगे, उसमें रेलिवेंस लाएंगे, और उसको ऐसा बनाएंगे कि कंपेयर भी किया जा सकता है इस साल के चीजों को अगले साल से। हम आपको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं बता रहे थे, बैड डेट्स क्या है ये मकसद नहीं था, प्रोविजन क्या है, ये आया क्यों, ये मकसद था। क्या क्लियर हुआ कि अभी भी ऊपर गया क्या अभिषेक? नहीं समझ पाए, अच्छे से नहीं समझ पाए, बोलिए कहा, और इस बीच में आपका क्लास से ध्यान भी हटा था। हाँ, वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता जब आप कुछ सोचने लगते हैं, तो बोलिए फिर से बताएंगे।
बताइए ना, पूछिएगा तब तो ओवरऑल पूरा बताते हैं। चलिए तो बच्चे लोग, हम लोग क्या चार फ्रेमवर्क पढ़े अभी, मेजर, फ्रेमवर्क, रिकॉग्नाइज, है ना। चलिए प्रेजेंट आइए, तो कहानी क्या मिला बुआ, कहानी ओवरऑल क्या मिला कि ये एक फ्रेमवर्क है, मतलब अकाउंट्स जो है कुछ चीजों से सपोर्टेड है, अकाउंट्स को कुछ चीज पीछे से बैक सपोर्ट देते हैं। वो क्या है, वो रूल है, गाइडलाइंस है बच्चों, फॉर्मेट है बच्चों, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अकाउंट्स को सपोर्ट करती हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रिंसिपल है, कॉन्वेंशन है जो अकाउंट्स को सपोर्ट करती है, और ऐसा सपोर्ट करती है कि उसे मेजरेबल बना देती है, आपको रिकॉग्नाइजेबल बना देती है, प्रेजेंट करने का तरीका सिखाती है, और डिस्क्लोजर। चले डिस्क्लोजर शायद हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, डिस्क्लोजर बता देते हैं, आइए अभी बाद में हम लोग अभी चलेंगे फ्रेमवर्क पर। पता है बच्चों, है तो बहुत आसान बात, लेकिन अगर इस पे कोई ध्यान ना रखे ना तो समझना बहुत हो जाएगा। हाँ चलिए आइए, तो डिस्क्लोजर पहले समझा देते हैं आपको। चलिए देखिए, स्क्रीन पर देखते रहिएगा सर, डिस्क्लोजर एक फ्रेमवर्क है, सपोर्ट सिस्टम है। कैसे बच्चों, एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात को समझो। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, वो हर एक चीज जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी हो तो उसे जरूर बता। मेरी बात को समझो, अकाउंट्स में एक बैक सपोर्ट है, अकाउंट्स को एक चीज है जो गाइड करती है और कहती है डिस्क्लोज करो। वो हर चीज जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी था उसे बता दो। एग्जाम्पल, एक लड़की की शादी हो रही है बच्चों, इमेजिन करो उसके पेरेंट्स ने कहा कि सिर्फ जॉब करता है, लेकिन अगर ये गार्जियन लड़की वाले जानना चाहते हैं कि उसका जॉब गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, उन्हें बता देना चाहिए। तो डिस्क्लोजर हो सकता है बच्चों आपके बताने से उनका फैसला बदल जाए। अकाउंट्स में डिस्क्लोजर का क्या मतलब है सर, डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क कैसे हो सकता है, इमेजिन करो बच्चों, इमेजिन करो, अभी बड़ा फेमस मामा अर्थ, अभी आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि उसको लेकर बहुत आईपीओ को लेकर विवाद चल रहा है। एक इमेजिनेशन करते हैं, मान लो आप ना उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचे थे, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा था कि आप उसमें पैसे लगाओ। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, अकाउंट्स हमेशा 31 मार्च को बनता है, 31 मार्च को, बच्चों 31 मार्च में उनका क्लोजिंग स्टॉक 10 करोड़ रुपए का था। लेकिन बच्चों जरूरी तो नहीं है कि 31 मार्च को ही अकाउंट्स बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ अलग बात है कि हम 31 मार्च तक का ही डाटा लेते हैं, लेकिन बनाने में हो सकता है एक महीना वक्त लग गया। मान लो 30 मई आ गया, या ऐसे लो 30 अप्रैल आ गया, और 15 अप्रैल को बच्चों उनके यहां एक हादसा हो गई, आग लग गई गोडाउन में, वर्ल्ड वाइड गोडाउन है, स्टॉक है उनका, जल गया, और बच्चों पता चला कि 5 करोड़ का प्रोडक्ट जल गया। अब सुनिएगा मेरी बात, कायदे से जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक 10 करोड़ ही ना दिखाएंगे हम। क्यों क्यों? क्योंकि भाई 31 मार्च तक तो 10 करोड़ था, लेकिन सोचो बच्चों जब तुम 30 अप्रैल को बना रहे थे, क्या ये तुमको नोट्स टू अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए था कि इस डेट को 5 करोड़ का इन्वेंट्री जल गया? हो सकता है बच्चों जब तुम उस बात को पढ़ते तो तुम पीछे हट जाते, निवेश को रोक देते कि नहीं ये तो बहुत बड़ा लॉस है, हो सकता है ये कंपनी डूब जाए, है ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, आपके बताने से बहुत लोग अपने फैसले को बदल सकते हैं, हो सकता है ना। यही तो बच्चों डिस्क्लोजर हम समझाना चाह रहे हैं कि डिस्क्लोजर वो फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो को बेहतर बना देता है। आप वो जान जाते हो बच्चों जो आपको जानना जरूरी था, हो सकता है आपका फैसला बदल के रह जाता है बच्चों। देखते हो बच्चों, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का जब स्कैम हुआ था, वो एस्बेस्टॉइस का मैटर पकड़ाया था, जिसमें वो कैंसर कॉजिंग एजेंट के का मैटर था, 20,000 करोड़ की पेनाल्टी लगी थी। इन सब चीजों को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने न्यूज में क्यों रोका?
बस बीबीसी में ही वो दिख रहा था, बाकी किसी चैनल पर नहीं आ रहे थे, कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रही थी, बस अल जजीरा, वो तो दुनिया का बहुत बड़ा चैनल है, वो तो बड़ा बड़ा न्यूज परचेस कर लेता है, या फिर यूएस के कुछ चैनल्स दिखा रहे थे, अपने इंडिया में नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में दूसरी बड़ी आबादी रहती थी उस समय, अब हम फर्स्ट पे हो गए। बच्चों सोचो, जिस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती हो, वहां डिमांड भी तो ज्यादा होगा। अब सोचो इस न्यूज से कितना डिमांड पे फर्क पड़ता है, पड़ता ना, लोग अपना फैसला बदल देते बच्चों कि नहीं, हम अपने बच्चों को वैसा पाउडर क्रीम और साबुन क्यों लगाएंगे जो कैंसर क्रिएट कर सकता है, ऐसे फ्रॉड कंपनी का प्रोडक्ट क्यों यूज करें। हो सकता है ना बच्चों, तो डिस्क्लोजर वो चीज है जो बताने से बहुत लोगों का फैसला उथल पुथल हो जाता है, इसलिए अकाउंट्स कहता है डिस्क्लोजर जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं डिस्क्लोजर एक फ्रेमवर्क है, एक सपोर्ट है जो अकाउंट्स को कहता है सब सच सच बताओ, नहीं बताओगे तो थूरेंगे। इसलिए तो अकाउंट्स की ऑडिट होती है कि अगर कुछ छुपाया, कुछ बचाया, कुछ बताने से पीछे हटा, तो वो सब चीजें बताया जाए लोगों को। क्लियर? क्या अब समझ में आ रहा है? ये नहीं होता तो अकाउंट चलता क्या? तो सपोर्ट सिस्टम है। यहां तक क्लियर होगा? क्योंकि जब तक थ्योरी को आप अच्छे से नहीं समझोगे, फिर नहीं लिख पाओगे, फिर रटंट हो जाएगा। आगे चले क्या? सर एक बात बताइए, ये चार चीजें तो हम लोग समझ गए, लेकिन जब आप ये बार बार बता रहे थे कि अकाउंट्स जो है, फ्रेमवर्क जो है, वो चार पिलर पे डिपेंड करता है, वो चार पिलर कौन है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब आइए सर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्क्रीन पर एकदम ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किसको कहते हैं? देखिए, आपके स्टडी मटेरियल में दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स। क्या बोलता है? इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल। मतलब क्या है बच्चों? पता है बुआ, अकाउंट्स बनाने का एक अपना मकसद है, अकाउंट्स बनाने का एक गोल है। ये गोल है कि हम किसी भी संस्था, किसी भी बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। सोचो ना बच्चों, अगर तुम जर्नल नहीं बनाते, लेजर नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस नहीं करते, पूरे को अगर एक लाइन में कहें अकाउंटिंग नहीं करते, तो क्या उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन पाता क्या? आंसर इज नो। क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो पाती है? जब स्टेटमेंट नहीं बना तो रिपोर्टिंग कहां से होगा? तो समझो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? एक बॉडी है, बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अगर यह नहीं होता तो अकाउंट्स का एक मकसद है, एक मोटिव है। क्या मोटिव है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना। अब तुम सोचोगे सर, ये ऑब्जेक्टिव, ये मकसद कैसे पूरा किया जा रहा है? फंडामेंटल से। अब बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा इंग्लिश यूज किया गया है, फंडामेंटल्स। सर फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? बच्चों फंडामेंटल हम कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्वेंशंस को। आप पढ़े हो ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्यों पढ़ाया गया बच्चों कि अकाउंट्स हमेशा ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, है ना? आपने पढ़ा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पढ़ा ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। तो कहता है कि उस ऑब्जेक्टिव को और उस मकसद को हम कैसे अचीव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? देखिए मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, कहता है कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी उस इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है? रूल, समझ रहे शशांक? रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशन, ये सब चीज मिलकर फंडामेंटल्स बनते हैं। मतलब आप एक दायरे में रह के अपने मकसद को पूरा करोगे। अकाउंट्स बनाने के पीछे क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है। अब इसका ये मतलब नहीं बाबू कि अगर एक आदमी अमीर बनना चाहे तो वो गलत रास्ते पे चले। अमीर बनने का भी एक तरीका है, आप अच्छे रास्ते से चलो ना, आप बिजनेस करो, आप पढ़ लिख कर उस पोस्ट पे पहुंचो। जरूरी तो नहीं बच्चों हर चीज के लिए गलत रास्ता ही अपनाया जाए।
तो वैसे ही कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कि अकाउंट्स बनाने का एक मकसद है और उस मकसद को हम पूरा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट, रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंजर्वेटिज्म्स, पढ़े हो ना, हमने आपको पढ़ाया है। कन्वेंशंस में नहीं पढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सब पढ़ाया है ना, चार, तो इन सब चीजों को आगे बढ़े क्या? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? फिर देखिए क्या बोलता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑल्सो गाइड ऑन क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है बच्चों, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटी को निकालता है। जितना नोट्स आप बनाए, अब देखिएगा आपके नोट से ये नोट्स कितना डिफरेंट होगा। पूरे समरी को निकाल कर रख दिया गया। क्या बोलता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑल्सो गाइड ऑन क्वालिटेटिव नेचर। बच्चों अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होता तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वालिटी झलकती, पता चलता कितने टेंजिबल एसेट्स हैं, कितने इंटेंजिबल एसेट्स हैं, एक सडन पता चलता कितना करंट एसेट्स है। बोलो बोलो ना, पता चलता क्या? लेकिन बच्चों सवाल है कि सर इस क्वालिटी को दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है, कोई सिस्टम बनाया गया है, कोई सपोर्ट सिस्टम बनाया गया? आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिया है प्रॉफिट और लॉस का और बैलेंस शीट का। और देखो बच्चों, अकाउंट्स बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो मोटिव था वो तुम्हारे सामने है। क्या मोटिव होता है? हम किसी भी संस्था का क्या जान सके बच्चा लोग, बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका इकोनॉमिक डिसीजन और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। पता इस टॉपिक पर इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि फाइनल में फिर आपको मिलेगा रिपोर्टिंग में, IFRS वगैरह में। तो अगर आपको अभी से अच्छा से उसका बेस बना देंगे ना, तो जब उस समय जो टीचर आपको पढ़ाएंगे आपको उनकी बातें समझ में आएंगी कि अच्छा सर ऑलरेडी हम आपको एक बेस खड़ा करके दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी क्या है अपना एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखो ये ऑब्जेक्टिव अभी हम तुमसे ऊपर ही बात किए थे, ये ऑब्जेक्टिव कौन कह रहा है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा है ना, बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, कि अकाउंट्स बनाने का भी अपना एक मोटिव है, मकसद है, गोल है ना, क्लियर? अच्छा अब देखिए फिर सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे? सर आप अभी कहे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बनाते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होता तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदलते नहीं है ना? आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका एंटायर अकाउंट्स पढ़ते हो ना। उसके बाद बच्चों हेल्प्स इन असेसिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। आप अंदाजा लगा पाओगे ना कि फ्यूचर का हमारा पोजीशन क्या है? नहीं अंदाजा लगा पाओगे। आप कंपनी के सॉल्वेंसी को नहीं समझ पाओगे, लिक्विडिटी को नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल स्टडी मॉड्यूल में क्या किया बच्चों, बस एकदम शॉर्ट में रिपोर्टिंग लिखकर निकल गया। अब बच्चों को यह भी तो समझना होगा कि रिपोर्टिंग कहते किसको, रिपोर्टिंग का कोई ऑब्जेक्टिव है? अगर हम नहीं लिखते तो आप कैसे समझते रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? ताकि इंसान अपने डिसीजंस ले पाता है। एग्जांपल लो बच्चों, तुम लोन लेने गए किसी बैंक से। बच्चों बैंक बिना तुम्हारा कैश फ्लो देखे लोन देगी? अगर वो तुम्हारा कैश फ्लो नहीं देखेगी तो उसको कैसे भरोसा होगा? नहीं यार ये आदमी लोन दे देगा, मेरे पैसे वापस कर देगा। अगर आपका कैश फ्लो खराब है कोई आपको लोन देगा? वो तो ये देखेगा ना यार इसके यहां तो कैश का मूवमेंट ही नहीं होता, हमको पैसा ये हाथ देगा? लॉजिकल सी बात है ना, बोलो। अब एक बच्चा 45% लाके यूपीएससी के लिए पहुंच गया, टीचर्स को क्या गाइड करेंगे? नहीं बाबू जाओ तुम पोगो देखो, थोड़ा जाओ थोड़ा सा बैंकिंग वैंकिंग का तैयारी करो, ये सब ना होगा तुमसे। वही है ना, लोन देने से पहले रिपोर्ट नहीं चेक करोगे? चेक करोगे, सॉल्वेंसी पोजीशन नहीं देखोगे, लिक्विडिटी नहीं देखोगे, तो अकाउंट्स नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होता, तो इतना कुछ जान पाते हैं? बोलो बोलो ना, आगे बढ़े। कितना फ्रेमवर्क पढ़ना है? चार। चार में कौन सा पढ़ाए? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में क्या पढ़ाए? हाँ देखिए स्टडी मटेरियल में सबसे पहला ही लाइन था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। मतलब अकाउंट्स
के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है वो ये कहता है कि अकाउंट्स किसी मकसद के लिए बनाया जा रहा है, समझे, और उस मकसद को पूरा करने का एक अपना फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स है, सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सोचो मॉड्यूल में कितने एक शब्द में खेल कर लिख के निकल गया फंडामेंटल। अब जिस बच्चे की इंग्लिश अगर वीक है, अंडरस्टैंडिंग कम है, वो समझ पाएगा हुआ फंडामेंटल्स? नहीं समझ पाएगा कि सर फंडामेंटल शब्द कह क्या रहा है। इसलिए तुम आपको बार बार फोकस कर रहे हैं कि कह रहा है कि उस गोल को पूरा करना किसी गाइडलाइन के थ्रू, किसी रास्ते के थ्रू, तो वो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्वेंशन होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड होगा, बहुत कुछ हो सकता है। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा सर लीगल फ्रेमवर्क क्या है? देखिएगा बच्चों, आपके बुक में स्टडी मॉड्यूल में एक बहुत अच्छा लाइन हमको मिला जब हम इसको रीड किए, तो देखिए क्या मिला। कहता है कि बिजनेस आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय वेरियस स्टैट्यूट्स अंडर विच दे आर फॉर्म्ड। सुनिए इसका जब इंटरप्रिटेशन किए तो बहुत कुछ समझ में आया। क्या कहता है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग स्टैट्यूट और अलग अलग फील्ड में रन करती है। जैसे बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस एक अलग नेचर है और उस बिजनेस पर एक अलग कानून व्यवस्था काम करती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी, कंपनी पर बच्चों कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो कंपनी एक्ट 2013। बैंकिंग कंपनीज बच्चों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनी पे बच्चों इंश्योरेंस एक्ट 1938। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सुनो मेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि कौन कौन सी कंपनी किस किस चीजों पे चलती है, हम ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों जब तुम इस तरह के कंपनियों का अकाउंट्स बनाते हो तो तुम्हें इन सब लॉ को भी ध्यान में रखकर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। एग्जांपल बच्चों, तुमने पार्टनरशिप डीड बनाया और पार्टनर ने यह डिसीजन नहीं लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अब सोचो बच्चों ऐसे केस में जब अकाउंट्स बनेगा तो फिर तुमको क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली कंपनी पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर दो, इक्वल बांट दो। गुड, ये कहना चाह रहे कि अगर तुम एक्ट नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा। एग्जाम्पल तुम इनकम टैक्स का अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, WDV फॉलो करोगे कि SLM फॉलो करोगे? WDV क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि WDV मेथड इज फार मोर बेटर देन SLM, है ना? गॉट द पॉइंट? आई बात समझ में? हम ये कहना चाह रहे हैं ना बच्चों, बहुत सारे कानून को ध्यान में रखकर अकाउंट्स बनाना पड़ता है। जैसे तुम ले लो बच्चों ESI। ESI एक ऐसी कानून है जो कहता है कि अगर किसी कंपनी में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं भाई, तो तुमको उनके हेल्थ के लिए इंश्योरेंस बनाना होगा। मान लो तुम नहीं बनाए तो गलती है। अगर इस 21,000 से उनकी सैलरी कम है तो तुमको उनके लिए हेल्थ के लिए बीमा कराना होगा। अब तुम ये सोचते हो बच्चों सिर्फ सैलरी दे देने से काम चलेगा तो क्या अकाउंट सही होगा? PF Act कहता है, PF Act कहता है कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके यहां काम कर रहे हो तो आपको उनके लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या बनाना होगा, PF अकाउंट ओपन करना होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं ना बच्चों कि सिर्फ अकाउंट्स, नॉर्मल अकाउंट्स बनाने से काम नहीं चलता, ये भी देखना होता है कि वो कंपनी किस स्टैट्यूट, किस लॉ के अंदर बनी है, किस कानून के अंदर रन कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप चला रहे हो वो किस कानून के अंदर है, किस एक्ट के अंदर है, और वो एक्ट जो कहता है वो तुमको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में फॉलो करना है ना। आपको क्या लगता है बच्चों, आप ये सोच रहे हो चलो हमने स्टाफ को सैलरी दे दिया, हम फ्री हो गए, हम छुटकारा पा लिए, क्या ऐसे काम चलता है? आंसर इज नो। क्यों? क्यों सर आंसर इज नो? बच्चों लॉ कहता है कि आपको उनको PF भी देना पड़ेगा।
सोचो बच्चों, अगर तुम पीएफ नहीं क्रेडिट करते तो अकाउंट्स गलत बनता ना, प्रॉफिट लॉस गलत आता ना, बैलेंस शीट गलत बनता ना। हाँ सर बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आया कि जिस स्टैट्यूट के अंदर आप अपने बिजनेस को चलाते हैं, आपको उस कानून को भी तो मानना पड़ता है। एग्जाम्पल बच्चों, जब आप बैंकिंग कंपनी चलाते हैं, वैसा कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस करती है, तो आप उनका अकाउंट्स नॉर्मल कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे? नहीं। किसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे? वेरी गुड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक बनाएंगे। तो बताइए बच्चों, क्या लीगल फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है अकाउंटिंग में? किया कि नहीं किया? बताओ उज्जवल बाबू, क्या समझे इस बात से? जरा हमको समझाओ तो, हम इससे तुमको क्या कोशिश कर रहे थे समझाने का? हाँ हाँ रिस्पेक्टिव एक्ट से होता है, और हमको अकाउंट्स बनाते समय उस गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। जैसे बच्चों कंपनी एक्ट में हम लोग अभी तक जो अकाउंट्स पढ़े उसमें क्या करते थे, तानिया बेटा सुनिएगा, स्क्रैप वैल्यू लेस कर देते थे। लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि स्क्रैप वैल्यू तुम अपने आप मत निकालना, तुम वैसे कैलकुलेट करना जैसे मैंने तुमको सैलवेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिखाया। अब सोचो बच्चों, तुम अपने आप प्रिडिक्शन कर देते स्क्रैप वैल्यू तो आंसर क्या होता? गलत। प्रॉफिट लॉस क्या होता? गलत। उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती? गलत। क्लियर है अर्चना? समझ में आया इशिका, रिमी, तान्या क्लियर है? आदित्य बोलिए, विवेक, सतीश है क्लास में? अच्छा सो गया है, वाह क्या बात है। अमन कोई दिक्कत? नीतीश, अभिषेक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा सर सुनो बउआ लो, सर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? सर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग कोई चीज है क्या? हाँ है। देखो बच्चों, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब हुआ वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसा संस्था जो अलग अलग संस्था अलग अलग फील्ड में आपको गाइड कर रहा है। बच्चों हमारे देश में भी तो इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बच्चों अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो ये अकाउंटिंग को डेवलप कर पाते? बच्चों अकाउंटिंग को क्यों ये डेवलप करते हैं? ताकि उसमें कंसिस्टेंसी रहे, उसको कंपेयर किया जा सके, है ना? तो ये कहना चाह रहे बच्चों, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में मीन्स गाइडलाइन इशूड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। बच्चों एक बात बताओ, शेयर्स मार्केट में जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में बात करते हैं, तो सेवी के गाइडलाइन को मानना पड़ता है कि नहीं? सहारा ने बच्चों जब सेवी का गाइडलाइन नहीं माना था, तभी तो उनपे इतने बड़ा एक्शन लिया गया, उन्होंने ओडीसी ओवर द काउंटर डिबेंचर इश्यू कर दिया था, वो भी बिना सेवी से पूछे। तो सोचो बच्चों, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं ना कि अलग अलग फील्ड में हमारे देश में सरकार ने अलग अलग संस्था बनाई है जिसका काम है मॉनिटर करना और अकाउंट्स को बेहतर बनाना। जैसे बच्चों कॉस्टिंग की दुनिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को बनाया गया है कॉस्टिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, ताकि कॉस्टिंग एक्यूरेट हो सके, कंसिस्टेंस हो सके, कंपेरेबिलिटी हो सके। बोलो हाँ या ना? उसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को बनाया गया ताकि वो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करे, अकाउंट्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, उसमें कंसिस्टेंसी लाया जा सके ताकि लोगों का भरोसा, रिलायबिलिटी बढ़े, ट्रस्ट बढ़े। सोचो बच्चों, अगर ये चीजें नहीं होती, अकाउंट्स को सपोर्ट करती, तो अकाउंट्स रहता नहीं, सर ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाता, क्योंकि इसके पीछे कोई ताकत काम नहीं करती। तो ये चार चीजें हैं बच्चों जो अकाउंट्स को पीछे से सपोर्ट कर खड़ा कर रही है समाज में, ताकि लोगों का भरोसा टिका हुआ है। आज भी देखो ना, बड़ा बड़ा स्कैम होता है तो कोर्ट कहती है इसका अकाउंट्स का रिपोर्ट लाओ, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, भरोसा है तब ना? बोलो
क्लियर। तो ये हो गया अपना सपोर्ट सिस्टम। इसी तरह से बच्चों सरकार ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग बॉडीज बनाई है। होप सो यहां तक समझ में आया कुछ, या इंस्टीट्यूशनल्स को एक बार फिर बताना होगा? सोवरेन मतलब इसीलिए तो ट्रस्ट वाला अथॉरिटी बनाया गया है ना, स्टैट्यूट सेंट्रल लेवल पे ये सब संस्था है। इसको कहां से बनाया गया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सरकार के साथ साथ देश की हर एक संस्था भी तो भरोसा कर रही है। देखते बच्चों जब इंस्टीट्यूट कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी कर देती है, कोई सवाल खड़ा करता है क्या? सोचो बच्चों 1994 के बाद जब अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, विदेशी कंपनियां आने लगी। जो लोग बीकॉम पार्ट टू में पढ़े होंगे उनको याद होगा मैंने तुमको पढ़ाया कि अमलगमेशन AS 14 में दिया गया। किसने दिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्यों दिया बाबू? ताकि अमलगमेशन में जो अकाउंट बन सके उस पर भरोसा किया जा सके, उस पर रिलाय किया जा सके, उस पर कंसिस्टेंसी हो। आप सोचो अगर एस नहीं आता तो अमलगमेशन का अकाउंट्स कैसे बनता? जब कंपनी लिक्विडेट करती है, बंद होती है, तो लिक्विडेशन कैसे होगा? अकाउंट्स कैसे बनेगा? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनेगा? कौन बताता है? कंपनी एक्ट है ना बच्चों, ट्रस्ट है ना। क्यों दिया गया? एक फॉर्मेट क्यों दी गई कि जब कंपनी बंद होगी तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा और ऐसे बनेगा, ये भी तो बताया गया। बनाने का तरीका भी तो बताया गया, मैंने आपको पढ़ाया भी था। लो 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 साटा पेड़ा डिप्ड अंडर पिस्ता इलायची पेमेंट वाला केस क्यों बताया दोस्त? याद करने के लिए। यही तो हुआ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सोचो हमारी जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, ये उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गाइडलाइंस जारी करके रखी है। नहीं बच्चों, जब आप होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है, तो कैसे अकाउंट्स बनेगा? तो भैया ये सारे गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में दिए गए कि नहीं दिए गए? मैं आपको एस बता नहीं रहा हूं बच्चों, मेरा एस बताने का मकसद भी नहीं। बताने का मकसद ये है कि ये जितनी भी बॉडी है, ये जितनी भी स्टैट्यूट्स हैं, इनके गाइडलाइन सर्वमान्य है, पूरा देश मानता है, इवन सो सरकार भी मानती है, क्योंकि सरकार ही तो कहती है कि तुम बनाओ, मैंने तुमको इसीलिए तो बनाया है कि तुम इन सब चीजों पे अपना गाइडलाइंस देते रहो टाइम टू टाइम, ताकि अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब आपको नहीं लग रहा है बच्चों ये सब बॉडी एक सपोर्ट देती है, अकाउंट्स को खड़ा रखती है एकदम, और भरोसा पूरी दुनिया का रखता है ना। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना होता है बच्चों, जिस देश में आप जाते हैं उस देश के अकॉर्डिंगली आपको अकाउंट्स प्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल लो बच्चों, आज आपकी एक कोई कंपनी है, मान लो कि निखिल की कंपनी है टिंकू लिमिटेड, तो निखिल अपने टिंकू लिमिटेड को आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने जा रहा है, तो क्या वो इंडिया के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स बनाएगा? नहीं, वहां के अकॉर्डिंगली। तो वहां के लोगों को अकाउंट्स पर क्या हो जाएगा? भरोसा हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल। खूब सो आज क्लियर रहा होगा। थैंक यू। अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे, हमसे बात नहीं करोगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि आर यू कैपेबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, या वेदर फर्दर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड और नॉट। तो बोलो, रेगुलेटरी का मतलब हुआ रूल्स और रेगुलेशंस बनाया गया, लेकिन उस रूल्स और रेगुलेशंस को बनाएगा कौन? इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन को भी बनाना क्या था जरूरी? इंस्टीट्यूशन अपने आप नहीं ना आया। उज्जवल सोच कर तो देखो, सरकार इनका क्या की? गठन की, इनको बनाई, इनको रजिस्टर्ड की, और इनको मान्यता दी। ऐसा मान्यता दी कि इनका समाज में, सोसाइटी में, सोसाइटी छोड़ दो इंडिया के बाहर वर्ल्ड लेवल पे रेपुटेशन भी तो दिया ना, तो इंस्टीट्यूशन भी होना जरूरी था ना। कोई दिक्कत? आगे चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत है तो बोलिए।